आज बनाएंगे बेहद ही ज्यादा यम्मी ये जबरदस्त चटकारे वाली आवाज से ही आप सुन पा रहे होंगे जबरदस्त भरवा हरी मिर्ची। और ये बेहद ही ज्यादा आसान है घर में बनानी और खा के ऐसे मजा आता है जैसे दो की जगह चार रोटी खा जाए। तो चलिए बताते हैं कैसे बनाना है आपको ये बढ़िया भरवा मिर्ची। इसके लिए दोस्तों हमने कुछ बड़ी मिर्ची ले ली है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से मिर्ची ले लें और बीच में से उनको काट लें। बीच में से काट के दोस्तों आपको इन सब के बीज निकाल लेने हैं। बीज निकली हुई ये भरवा मिर्ची बेहद ही ज्यादा यमिलीशियस बनती है और जब आप एक बार खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बिल्कुल भी तीखी नहीं लगती और ऐसी चटकारेदार मजेदार बनके तैयार होती है। आप कहेंगे भाई वाह, आज तो मजा ही आ गया, कुछ नया मिल गया रोटी के साथ खाने को। सबकी सारी मिर्चियां आपको ऐसे बीच में से काट लेनी होंगी और सबके सबके बीज आपको ऐसे निकाल लेने हैं। तो दोस्तों हमने अपनी हरी मिर्ची काट ली है, कुछ एक दो रह गई हैं, उन्हें भी काट लेते हैं फटाफट से। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमने कितनी सारी अच्छे से हरी मिर्ची बीच में से काट दी हैं और सबके सबके बीज हमने निकाल ली हैं। तो हमारी एक मिर्ची रह गई है, उसके भी निकाल लेते हैं और आगे की प्रतिक्रिया बताते हैं आपको। इतनी ज़्यादा बेमिसाल है, मज़ा आ जाएगा ये हरी मिर्ची आपको तैयार करके। ये एकदम ज़बरदस्त एकदम देसी स्टाइल से करी जा रही है तैयार। तो हमने सारी की सारी मिर्ची को ऐसे बीच में से काट लिया है। अब दोस्तों हम इनकी बीज की फिलिंग तैयार कर रहे हैं और बीज की फिलिंग के लिए हमने थोड़ा सा ऑयल लिया, थोड़ा सा जीरा डाला इसमें। जीरा हल्का सा भुनना शुरू हो गया तो अब हमने इसमें थोड़ी सी हींग और हल्की सी हल्दी डालनी है। हल्का सा इसे भून ले, लगभग 20 से 25 सेकंड ही, ज्यादा नहीं। तो इसको भून लेते हैं, थोड़ा सा चला लेते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 2 चम्मच बेसन के। भाई वाह, अच्छे से भुना गया। तो हम 2 बड़े चम्मच बेसन के कटोरी में डाल के रखे थे उसको डाल लेते हैं। इसको आपको हल्की आंच पे धीरे धीरे भूनना होगा। अगर आपको ये ऑयल थोड़ा सा कम लगे तो आप बाद में बढ़ा सकते हैं, पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपको इसको हल्की आंच पे भूनना है, इसमें से अच्छी स्मेल आ जाएगी, अच्छी खुशबू आने लगेगी, बस तब तक ही आपको इसको अच्छे से भूनना है। इसमें ढेर सारी चीज़ें हम और भी डालने वाले हैं, तो चलिए आपको विस्तार में बताते हैं कैसे ये बढ़िया बेसन भून के तैयार होगा। तो बेसन भून लिया गया है। अब दोस्तों इनका कलर तो चेंज हो गया है, इसमें 2-3 चीज़ें हम मेन इसमें ऐड करेंगे जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है, तो उसको करते हैं ऐड। सबसे पहले दोस्तों हम इसमें डालेंगे थोड़ा ऑयल, क्योंकि हल्का सा ऑयल कम लग रहा है। अब दोस्तों मैं इसमें ऐड करूंगा 2-3 और चीज़ें, जैसे कि धनिया और मसाले और नींबू, यही इसकी स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हैं। ये हल्का सा भून रहा है, कोई बात नहीं, फटाफट से इसको ऐड कर लेते हैं इसमें धनिया। इसका कलर चेंज होने की वेट कर रहे हैं, अभी ये कलर इसका चेंज हुआ। तो चलिए फटाफट से समय आ गया है, इसमें धनिया ऐड कर लिया हमने। धनिया के साथ साथ हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो इसमें स्पाइसेस के नाम पे हम सबसे पहले इसमें डालेंगे नमक, नमक के साथ इसमें डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर के साथ इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। आप जीरा पाउडर चाहें तो जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं और साथ ही में अमचूर या फिर चाट मसाला, उससे बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होती है। अब दोस्तों हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, वो है नींबू। नींबू से इतनी बढ़िया खटास आएगी इस मसाले में जो हम तैयार कर रहे हैं। तो चलिए मैंने इसमें एक नींबू डाल दिया, अब ये बहुत ही बढ़िया खट्टा मीठा स्वाद देगा। फटाफट से इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। दोस्तों इस वक्त गैस बंद था जब हमने नींबू डाला है और इसे हमने एक प्लेट में निकाल लिया। अब दोस्तों जो हरी मिर्ची थी हमने बीच में से काट के रखी थी, बीज निकाल के रखी थी, इसमें हम ऐड करेंगे ये सारा हमारा भुना हुआ मसाला। तो ये भरवा भुनी हुई बहुत ही ज़बरदस्त हरी मिर्ची बनके तैयार हो गई है। तो सारी हरी मिर्ची में मसाला डाल लीजिए अच्छे से। भाई वाह, आज तो खाने में स्वाद आने वाला है। मैंने तो तैयारी कर लिया, पेट को सुबह से ही खाली करके रखा है ताकि ये ज़बरदस्त चीज़ मैं भी खा सकूँ अपनी रोटी और दाल के साथ, आएगा मज़ा। तो सारी की सारी हरी मिर्चीज आपको ऐसे ही फिल आउट करके रख लेनी है। तो अब आपको ऐसे दिखा देते हैं, हमने सारी मिर्चीज को फिल कर लिया है। भाई वाह, प्लेजेंट, बहुत बढ़िया बना है। फटाफट से आपको प्लेट दिखाते हैं, कितनी सुंदर लग रही है सारी मिर्चीज भरने के बाद। भाई वाह, तो चलिए फटाफट से मिर्चीज तो भरी गई है, अगला स्टेप और भी ज़्यादा ज़बरदस्त है। इनको अच्छे से अगर कहीं पर भी कोई कमी रह गई है तो और अच्छे से भर लिया जाए। फुल ऑन तैयारी पूरी है।
तो चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं फ्रेंड्स। अब हमें ले लेना होगा एक पैन और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, ज़्यादा नहीं, एक बड़ा चम्मच, और अपनी हरी मिर्ची को इसमें डालना है। दोस्तों इतनी ज़्यादा अच्छी आवाज़ आती है इनको भूनते वक्त, इनको ऐसे फ्राई करते वक्त, और खाने में जो मज़ा आता है, अभी आपको इसकी आवाज़ सुनाऊंगा, आप कहेंगे भाई वाह इतना अच्छे से बढ़िया से ये हरी मिर्ची साउंड भी करती हैं। और एक बार आप इन्हें खा लेंगे तो मैंने तो बता ही दिया दीवाने हो जाएंगे, है ना दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। देखिए वाह भाई वाह, मज़ा आ गया यार सुन के। तो चलिए अब इनको अच्छे से भून लेते हैं, जो साइड भूनी नहीं गई है वो साइड पलट लेते हैं। लगभग ये 3 से 4 ही मिनट लगाएंगी पूरे के पूरे भूनने में, और ये भरवा हरी मिर्चीज बनके तैयार हो जाएंगी। अब दोस्तों हमारा एक मिश्रण जो हमने बेसन का तैयार करा था वो थोड़ा सा ना बच गया है, सारा फिल नहीं हो पाया, उसका भी यूज़ करेंगे। अभी आपको दिखाते हैं कहाँ और कैसे यूज़ किया जाएगा। पहले इसको अच्छे से हर तरफ से सेक लिया जाए। ध्यान रखें दोस्तों इसको कभी भी ढक के ना सकें, ढक के सेकने से इनका कलर थोड़ा सा पीला पड़ जाता है हरी मिर्ची का, और वो करारापन नहीं आता। ये देखिए, और जो बचा हुआ मसाला था थोड़ा सा बेसन का, वो भी इसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए वेट कर लेते हैं, ये साइड भी अच्छे से पक गई है तो इनको भी थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे हम। दोस्तों इस भरवा मिर्ची को मैं आज अपनी दाल और रोटी के साथ खाने वाला हूँ, और मैं आपको बताऊं अगर आपके पास दाल ना भी हो ना, सिर्फ रोटी के साथ भी हरी मिर्ची बहुत ही बढ़िया लगती है। एक बार खाएंगे तो आप कहेंगे भैया रोटी तो आने दो, रुकने का मन नहीं करेगा, क्योंकि होती ही इतनी जमिलीशियस है। तो चलिए इनको अच्छे से हर तरफ से पका लेना है, तो इनकी साइड्स पलट लेते हैं। दोस्तों जब तक हम इनकी साइड्स पलटते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। बेहद ही ज़्यादा मेहनत करके हमने वीडियो आपके लिए तैयार किया है, और बहुत ही क्रिस्प बढ़िया एकदम हरी मिर्ची भुनी हुई तैयार हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। बस अब कर लेते हैं गैस को फटाफट से बंद, लगता है 20 से 30 सेकेंड और लगेंगे, और उसके बाद दोस्तों आपको इनको फटाफट से प्लेट में निकाल के दिखाते हैं कितने अच्छे से भुनी गई हैं ये हरी मिर्ची। एकदम लास्ट स्टेप पे हैं दोस्तों, हर तरफ से पक चुकी है। आप चाहें तो उसके बाद भी इसके ऊपर हल्का सा नींबू निचोड़ सकते हैं खाते वक्त। तो दोस्तों फटाफट से आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे पेज को ज़रूर फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये बढ़िया और ज़बरदस्त हरी मिर्ची बन के हमने प्लेट में निकाल दी हैं, बहुत ही बढ़िया और खूबसूरत वीडियो बनाया, और ये रेसिपी भी। मैं चलता हूँ, अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखें।